दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बदायूं, और वहाँ पर मैं छोटे सरकार की मजार शरीफ पर जाऊँगा, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ। चलते हैं। तो पहले यार गाड़ी का पेट भर दें, उसका पेट भरवाते हैं क्योंकि फ्यूल डलवाना है, बिना फ्यूल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं आया हूँ फ्यूल डलवाने, फ्यूल डलवा लूँ फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। अभी हम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच चुके हैं, क्रॉसिंग बंद है, अभी दिख रही गाड़ी जा है। रही है, दिख रहा होगा आपको। अब ये गाड़ी निकल जाएगी, ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद बैरियर खुल जाएगा, फिर चलते हैं आगे। ये एरिया जो जहाँ से हम अभी क्रॉस हो रहे हैं, इसको देवचरा बोलते हैं, और यहाँ पर भी एक मंडी है जहाँ पर जानवरों की मार्केट लगती है, यानी कि बहुत सारे जानवर यहाँ बिकते हैं, लोग आते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया है ये, तो देवचरा में जो बाज़ार है वो मशहूर है जानवरों के लिए। दोस्तों हम बदायूं पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं लिखा है वेलकम टू बदायूं, और ये यहाँ पर शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगी है, और सैनिकों की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और अब इस इधर से हम आगे बढ़ेंगे। और हम पहुंच चुके हैं छोटे सरकार की मज़ार पर, ये गेट है उनका, और अंदर चलते हैं अब। अब मैं अंदर दिखाता हूं आपको। गेट से हमें करीबन 100 मीटर अंदर चलना पड़ेगा, ठीक है आ जाओ, और तब मज़ा, वहाँ पर मज़ार है। मज़ार से पहले जो रास्ता है इस पर हम अभी चल रहे हैं, इसके दोनों तरफ कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर। और ये कितना पुराना है, इसमें कब का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है दोनों तरफ ये कब्रिस्तान, और बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर, बहुत सारी। अब हम मज़ार के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, बस यहीं पर इसे एंटर करेंगे अंदर, तो अंदर मज़ार है, तो चलते हैं अंदर। अब मैं नहीं बोलूँगा, अब आप अंदर देखना। Yeah.
दोस्तों अब हम मज़ार शरीफ से बाहर आ गए हैं और अब मैं घर जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।